हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स से प्रॉब्लम प्ले को। दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम प्ले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके आज के वीडियो को, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। राइट ए नोट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम प्ले, यानी प्रॉब्लम प्ले समस्या के नाटक की विशेषताओं पर एक नोट लिखिए। आइए आंसर को समझते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज के अंत की ओर, द ड्रामा ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, जो सोशल प्रॉब्लम्स के ड्रामा थे, केम इनटू प्रोमिनेंस, वह प्रसिद्धि में आए, शोहरत में आए इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में। इन स्टीड ऑफ द कन्वेंशनल टाइप्स, यानी पारंपरिक प्रकारों की बजाय, द करेक्टर्स वर रिकॉग्नाइजेबल इंडिविजुअल्स, जो करेक्टर्स थे वो पहचानने योग्य व्यक्ति थे। द प्रॉब्लम प्ले वॉज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, जो प्रॉब्लम प्ले है वो एक प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति थी ऑफ अ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन, यानी समकालीन प्रश्न की एक प्रस्तुति थी थ्रू रियलिस्टिक टेक्निक, यानी यथार्थवादी तकनीकी के जरिए। द टर्म प्रॉब्लम प्ले, ये जो शब्द है जिसका नाम प्रॉब्लम प्ले है, वॉज क्वाइंड, लिया गया था बाई सिडनी ग्रंडी के द्वारा। हु यूज्ड इट, इसने प्रॉब्लम प्ले का यूज किया था, इन अ डिस्परेजिंग सेंस, यानी अपमानजनक अर्थ में, फॉर द इंटेलेक्चुअल ड्रामा ऑफ द 90s, 90s के इंटेलेक्चुअल ड्रामा के लिए। जी वी शॉज प्ले, जी वी शॉ के जो नाटक हैं आर डिजाइंड, वो डिजाइन किए गए थे टू सर्व एज व्हीकल्स फॉर हिज आइडियाज, यानी वाहनों के रूप में सेवा करने के लिए, फॉर हिज आइडियाज़, अपने विचारों के लिए। एज, क्योंकि, ही एक्सप्लोर्स, उसने पड़ताल की, एवरी नोन प्रॉब्लम, सभी प्रकार की समस्याओं की, सोशल, मोरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस, इन सभी प्रकार की समस्याओं की उसने एक्सप्लोर्स किया यानी पड़ताल करी, इन हिज प्लेज, अपने नाटकों में। द आइडिया इज इम्पॉर्टेंट इन हिज प्लेज, अपने नाटकों में उनके आइडिया इम्पॉर्टेंट होते हैं। दो, यद्यपि मोस्ट ऑफ हिज प्लेज, उनके ज़्यादातर जो नाटक हैं, डू पजेस द क्वालिटी, वो गुणों को पजेस रखते हैं ऑफ अ गुड प्ले, एक अच्छे नाटक के लिए। जॉन गल्सवर्दी ऑक्यूपाइज डिस्टिंक्टिव प्लेस, जॉन गल्सवर्दी ऑक्यूपाइज मतलब धारण करते हैं, डिस्टिंक्टिव प्लेस यानी एक विशिष्ट स्थान को धारण करते हैं इन द मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा में। हिज नेचुरलिज्म, उनका जो नेचुरलिज्म है यानी प्रकृतिवाद है, रिमाइंड्स अस ऑफ इप्सन, हमें इप्सन की याद दिलाता है। इन हिज मोरल अर्नेस्टनेस, अपने नैतिक गंभीरता में यानी मोरल अर्नेस्टनेस में, ही इज अ किन, वो किन है यानी संबंधी हैं टू जी बी शॉ, जी बी शॉ के। ही इज अ क्रिटिक, वह एक क्रिटिक आलोचक हैं, एंड इंटरप्रीटर, और एक इंटरप्रीटर हैं यानी व्याख्याकार हैं ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लाइफ के, इन हिज ड्रामाज, अपने ड्रामाज में। इन जनरल यानी सामान्य रूप में, द टेंडेंसी, यह जो प्रवृत्ति है, यह जो टेंडेंसी है टू प्रूव इनटू द सोर्स ऑफ सोसाइटी, करेक्टराइजेस
सीरियस मॉडर्न ड्रामा यानी समाज के सोर्स घावों में खुद को साबित करने की प्रवृत्ति गंभीर आधुनिक नाटक की विशेषता है। बट जॉन गल्सवर्दी डायग्नोसिस यानी जॉन गल्सवर्दी का जो डायग्नोसिस है यानी जो निदान है एंड हिज ट्रीटमेंट और उनका जो ट्रीटमेंट है यानी उनका जो उपचार है आर हिज ओन वह उनके स्वयं का है। लाइक जी वी शॉ के समान ही हैंडल्स डेफिनेट प्रॉब्लम्स उन्होंने डेफिनेट प्रॉब्लम्स को हैंडल किया दोज ऑफ मैरिज जैसे शादी की समस्याओं को ऑफ सेक्स रिलेशनशिप यानी सेक्स रिलेशनशिप को ऑफ लेबर डिस्प्यूट श्रम विवादों को ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक को ऑफ द लॉ कानून को ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और एकांत कारावास को ऑफ कास्ट फीलिंग और जाति की भावनाओं को इन सभी की समस्या को उन्होंने हैंडल किया। ही डज नॉट सीक टू बी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशन यानी वह यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं का प्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ जीवन की समस्याओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते हैं। लव हेट एंड एम्बिशन इनका भी प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहते थे एज शेक्सपियर डिड जैसा कि विलियम शेक्सपियर ने किया था। द प्रॉब्लम प्ले रिमेंड अ थिएट्रिकल आउटकास्ट जो प्रॉब्लम प्ले हैं एक नाटकीय बहिष्कार बना रहा थिएट्रिकल आउटकास्ट बना रहा इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स कई कारणों के लिए। द प्रॉब्लम प्ले जो प्रॉब्लम प्ले हैं वेंचर्ड टू डील यानी सौदा करने के लिए उसने साहस किया विद थीम्स कहानियों के साथ में दैट वर नॉट पेनफुल जो पेनफुल नहीं था दर्द से भरा हुआ नहीं था टू मोडेस्टी विनम्रता के लिए बट बी रिपग्नेंट टू अ गुड टेस्ट और अच्छे स्वाद के लिए रिपग्नेंट यानी प्रतिकूल रहा। इन द प्रॉब्लम प्ले में इट इज ऑफन अर्ज्ड ये अक्सर अर्ज्ड दृढ़तापूर्वक निवेदन करते हैं लैक्स अवॉइडिंग इंटरेस्ट स्थायी रुचि का अभाव है एंड हैज अ प्योरली लोकल सिग्निफिकेंस और प्योरली लोकल सिग्निफिकेंस को रखते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग सेंस ऑफ कन्वेंशंस एंड मोरेलिटी यानी कन्वेंशंस और मोरेलिटी परंपराओं और नैतिकता की बदलती सेंस रेत पर ये बेस्ड ऑन है यानी आधारित है दैट आर नॉट इंडिपेंडेंट टाइम एंड प्लेस और टाइम और प्लेस के लिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है स्वतंत्र नहीं है। इन द प्रॉब्लम प्ले में इमोशन कस्टम्स मैनर्स आर एंड एवरी मोरल बिकम ऑब्सोलीट ये जो मोरल चीज़ें हैं बिकम ऑब्सोलीट वो अप्रचलित हो गई इन द कोर्स ऑफ टाइम समय रहते हुए। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम प्ले के ऊपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि अभी तक आपने इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।